नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कथित तौर पर 7 वीडियोस रिलीज या लीक होने वाले हैं। इनमें से 3 कथित तौर पर आपत्तिजनक हैं, जिसमें क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को एक महिला और एक पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया गया है और दावा किया गया है कि इन दोनों वीडियो में इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद हैं वो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान के सेक्स टेप इस्लामाबाद के राजनीतिक हलकों और पत्रकारों के बीच घूम रहे हैं और कभी भी लीक हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि इमरान खान के कुछ बेहद आपत्तिजनक वीडियो कभी भी सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जफर अब्बास नकवी ने कहा कि ये वीडियो रिलीज या लीक होने के लिए तैयार है और इमरान खान को इस बात की जानकारी है। यही वजह है कि उनकी सोशल मीडिया टीम पहले से ही प्री डैमेज कंट्रोल मोड में है। नकवी ने कहा कि बहुत विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि इमरान खान के 7 या 8 वीडियो हैं जो आपत्तिजनक हैं। इसके अलावा 2 ऑडियो टेप भी हैं। उन्होंने कहा कि ये MMS इमरान खान की सरकार के गिरने के तुरंत बाद जारी किए जाने थे, लेकिन रमजान का महीना चलने की वजह से इसे रोक दिया गया था। लेकिन अब जबकि रमजान खत्म हो चुका है तो इन्हें अब किसी भी वक्त लीक किया जा सकता है। बिजनेस रिकॉर्ड के एक पूर्व पत्रकार रिजवान रजी के अनुसार इमरान खान के कुछ वीडियो उनके अपने आलीशान बनीगला में रिकॉर्ड किए गए हैं और उनका जो सबसे लंबा वीडियो है वो 2 मिनट 18 सेकंड का है। रिपोर्ट के मुताबिक मजे की बात यह है कि ना तो इमरान खान और ना ही उनकी पार्टी PTI ये कह रही है कि ये वीडियो फर्जी है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि वीडियो को फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से जाँच करवाया गया है, जहाँ से इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि होने के बाद ही उसे लीक करने का फैसला किया गया है। वीडियो के बारे में बोलते हुए नकवी ने कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि ये वीडियो पाकिस्तान में हलचल मचाने वाले हैं। इनमें से एक वीडियो ऐसा है कि इसके बारे में बात करना भी असहज करने वाला है। उन्होंने कहा कि कुछ ऑडियो टेप भी सामने आए हैं। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान का जो ऑडियो बनाया गया है उसमें से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कथित तौर पर शेख राशिद ने कार में रिकॉर्ड की थी, जो इमरान खान सरकार में गृह मंत्री थे। इतना ही नहीं, शेख रशीद ने इमरान खान को डबल क्रॉस किया है और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भेज दिया। हालांकि ये ऑडियो क्लिप सेक्स के बारे में नहीं है, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि इसी ऑडियो टेप के पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पहुंचने के बाद सेना ने इमरान खान की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि द वंदे भारत इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।